आम सहित वरिष्ठ बीजेपी नेता खारबल स्वाई जोड़ी होती आलोचना तबे श्रीजुक्त स्वाई आपको अर्गस न्यूज को स्वागत जनइबू जहाँ बर्तमान सबुठ दुखद खबर समस्त को मर्माहत कर राज्य राजनीति में शोकर छाय खेली जे विधायक विष्णु सेठी आम गहन में ना कारण आम उन्नीस मसीहारु सांगरे विशेष खबर बोली जो साप्ताहिक खबर कागज भद्रक रु बाहर आम सांगरे काम कर सब एडिटर से मु देखी अत्यंत साहसी एवं कौन कथा को भय न करवा गुण तर नेता भारतीय जनता पार्टी बहुत बेसी नहांती तेणुर जो अकाल मृत्यु भारतीय जनता पार्टी को बहुत क्षति पहुंचे मु अति दुखित कारण बयस अपेक्षा पाखापाखि दस वर्ष बड़ मु आगे मरवा कथा सी मोर स्मृतिचारण करवा कथ सी आगे मरुंच मु बची ही मत बहुत कष्ट स्त्री उर्मिला सी भी से विशेष खबर रे आम सांगे काम कर स्वामी स्त्री दु जन जाक आम सांगे तेणु जड़े जड़े अत्यंत साहसी कर्मठ विधायक अकाल मृत्युवरण करवा मत बहुत दुख दे मुतिपाई मत बहुत कष्ट होकर मृत्यु कथा मुश्य संगे मोर देखाई मुझे एम्स को तापरे से फेरिकी पुणी जो द्वितीय थर गले मोर बहुत सन्देह होता तेणु मृत्यु एकदम असंभव कथा से भाव नी मोर भी सेमती किसी आशंका थिला किंतु एभली व्यक्ति को हर व्यक्तिगत भाव अत्यंत दुखित श्रीजुक्त स्वाई जदि देखापी जवा अनेक समय से प्रश्न बाण से सरकार को घायला करुले जहाँ को बोध हुए बर्तमान गृह से समस्ते ही झुरी हे मन पक मुझे अत्यंत साहसी व्यक्ति थी जोटा कहते एकमत कारण ये गोटे विरोधी पक्ष रही सरकारी पक्ष को आक्रमण करिबा एवं तंगो घायला करिबा ये बहुत बेसी लोक ये चरित्र ये साहस न था जोटा विष्णु पाखे था या निश्चित भाव से कहली भारतीय जनता पार्टी रे बहुत क्षति है कारण विधायक भारतीय जनता पार्टी रे सेमती बेसी ना तेणु निश्चित भाव भारतीय जनता पार्टी क्षति है समाज क्षति है कारण जड़े साहसी व्यक्ति जे कि राजनैतिक क्षेत्र में युद्ध पाई आतु जी भय करू नभली व्यक्ति को हरवा गोटे दल निश्चित भाव अत्यंत बेदनादायक बिल्कुल श्रीजुक्त स्वाई केवल जे भारतीय जनता पार्टी ये बड़ अपूरणीय क्षति ता नुहे समाज पर जो कथा आप कहते सारा राज्य पर गोटे बड़ क्षति ये साधारण लोकों कथा को से विधानसभा उठाऊ आतेबले आम तर कौन प्रतिक्रिया शुणु प्रेस कन्फरेन्स देखू अंत ये अनुभव हुए जे भितर पूरा निर्भीकता भरी रही जो कथा आप कहते तेज जानवापी चाहेबू श्रीजुक्त स्वाई केवे आपण सहित शेष भेटघाट होता साक्षात्कार होता थर देखाई प्राय देर मस खे तले हब मुझे एम्स प्राइवेट रूम से मुझे प्राय घंटे खंडे
କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏମ୍ସରୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ସେୟା ବୁଝିଲି ଯେ ତାର କିଛି ଦିନ ଅଳ୍ପ କେଇ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବି ଦିଆ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ସେଠୁ ରିଲିଫ ହେଇକି ଆସିବାର ପୁଣି 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଏମ୍ସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲି କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖା ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଘୋର ଆତଙ୍କିତ ହେଇଗଲି। ବିଲକୁଲ ସ୍ୱାଇଁ, ଯେମିତିକି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି, ଆମେ ମଣିଷମାନେ କିଛି ଅଲଗା ଭାବିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ନାଚାର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ଅଲଗା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ଏବଂ ଭଗବାନ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲା। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସଂସାର ମାୟାରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ନାହାନ୍ତି।